ये है लेफ्ट हैंड साइड लानी पड़ेगी LHS, LHS ये है साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बटे की लाइन ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। आपको बताया था जब भी आपको कोई संख्या सिद्ध करनी होती है, एक लाना है, दो लाना है, पांच लाना है, जीरो लाना है, तीन बटे पांच लाना, संख्या लानी है, तो इस पूरी साइड को किस में बदलना चाहिए? बिल्कुल सही है, साइन कॉस में बदलना चाहिए। तो ये पहले से ही साइन कॉस में, इसलिए अपन को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर गुणनखंड का सूत्र लगेगा, इसको मैं स्क्वायर का स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दूंगा ऐसे। ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, चार घात है ना, दो की घात दो, घात को ऊपर घात है, गुणा हो जाएगा। और नीचे ये है ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसके गुणनखंड, ये बटा हो गया इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुणनखंड क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ जी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ए माइनस बी फिर दूसरा आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी ये हो गया। और नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई सूत्र दिख रहा है आपको इसमें, कौन सा सूत्र दिख रहा है? बिल्कुल ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। और ये देखिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कट जाएंगे, बिल्कुल सही है, दोनों ये जैसे हैं, ये और ये कट गए, और इसका मान